नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को बुलाई उनकी मीटिंग में नहीं पहुंचे। बुधवार को विधानसभा में शिवपाल शपथ लेने गए तो इस पर उठे सवाल पर बोले, वक्त आने पर फैसला लेंगे। अपना दल कमेरावादी के साथ भी असहज रिश्ते की चर्चाएं हैं। एक सहयोगी दल के दूसरी जगह संभावनाएं तलाशने के कयास है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के सामने फिलहाल अपनों के ही विपक्ष की चुनौतियां गहरा रही है। खासकर जून जुलाई में प्रस्तावित विधान परिषद व राज्यसभा के चुनाव में ही विधायकों की निष्ठा की परीक्षा होनी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी की उम्मीदों को बचाने और हौसले को उड़ान देने के लिए लोकसभा छोड़कर पहली बार विधानसभा में डटे हैं। फिर भी उन पर अपना नेतृत्व साबित करने और उस पर भरोसा बनाए रखने की चुनौती है। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा अब तक 4 अहम चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन हर बार प्रयोग व नतीजे निराश करने वाले रहे हैं। 2022 में आधा दर्जन से अधिक छोटे दलों के साथ और भाजपा के कई चेहरों का हाथ पकड़ने के बाद भी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी समायोजन व संवाद की चुनौतियां बनी हुई है। शिवपाल अपनी पार्टी के खाते में एक सीट जाने से असहज थे। अपना दल कमेरावादी टिकट वितरण को लेकर नाराज थे। चुनाव के दौरान भी सहयोगियों से अपनी बात ना सुनी जाने की शिकायत की थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराने के बाद पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल की उम्मीदें भी बढ़ी हुई है। महान दल के केशव देव मौर्य के सवाल कई बार सार्वजनिक हो चुके हैं। ऐसे में गठबंधन की खुलती गांठों को कसे रखना आसान नहीं रह गया है।